हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राउटर की बेसिक कमांड्स के बारे में, राउटर के मोड्स के बारे में कि कौन कौन से मोड्स हैं जिनका राउटर में यूज़ होता है या जो राउटर में होते हैं और उनमें कौन कौन सी बेसिक कमांड का हम यूज़ करते हैं। आज हमारा है बेसिक कमांड्स पार्ट टू, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने राउटर को अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, जब हम कोई भी नया डिवाइस लेके आते हैं तो उसमें कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है जो कि हम उसे आईपी के थ्रू एक्सेस कर लें। अगर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की बात करें तो जब मैं इसमें अपने राउटर को एक्सेस करता हूँ, मैंने ये लिया तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ओपन कर रहा हूँ सी एल आई में जाके, यहाँ से मैं इसमें कमांड्स का यूज़ कर रहा हूँ। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आपके पास नया राउटर आया है जिसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आपको अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें, तो आप अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं और कंसोल पोर्ट के थ्रू आप उसको अपने कंप्यूटर में इससे एक्सेस करते हैं। अब कंसोल पोर्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, तो अगर आपने मेरी केबल्स वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था आपको कंसोल केबल कैसे बनाते हैं, या फिर इनबिल्ड कंसोल केबल्स भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल केबल, ठीक है, तो यूएसबी भी मिल जाता है आपको, है ना, कंसोल केबल RJ45 टू यूएसबी मिल जाता है, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल केबल, ठीक है, इमेज पर आते हैं तो देखिए अलग अलग वेराइटीज में आपको कंसोल केबल मिल जाती है। ये है, ठीक है, देखिए 335 रुपये की केबल है। इसमें क्या है, ये आपका लगेगा राउटर में, जो राउटर में कंसोल पोर्ट होगा उसमें आप इसको इनपुट करेंगे और अपने डेस्कटॉप में आप इसको इनपुट करेंगे। अगर आपके आपका जो लैपटॉप है उसमें ये पोर्ट नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये कौन सा पोर्ट होता है आपका, सीरियल पोर्ट, टू सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर आप लेके ला सकते हैं ना, सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, या आप ज्यादा वो है तो आप डायरेक्टली इसका यूज कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक तरफ ये आपको मिल गया आपको कंसोल पोर्ट जो आपको राउटर में इनपुट देना है, और ये हो गया आपका यूएसबी पोर्ट जो आपको आपके पीसी में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको केबल लेना पड़ेगी, ठीक है ना, इस केबल के जरिए आप क्या करेंगे अपने राउटर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं होगा, मान लीजिए यही मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैंने ये वाला हिस्सा राउटर में इनपुट दे दिया, ये वाला हिस्सा मैंने अपने पीसी में लगा दिया, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है पुटी। तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए पुटी डाउनलोड, तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी पहली वेबसाइट ही आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे में इंस्टॉल्ड है पुटी, ठीक, ये इंस्टॉल होकर कुछ ऐसा आपको नजर आएगा एप्लीकेशन। मैंने इसको ओपन किया तो इस तरीके से आपको कुछ पुटी का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए मैंने सीरियल पर क्लिक किया, तो सीरियल पर क्लिक करते इसने क्या बता दिया, कॉम, कॉम मतलब होता है आपका कंसोल पोर्ट है ये आपका, ये कॉम होता है कंसोल पोर्ट, ठीक है, इसका ये इसकी स्पीड होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको कनेक्ट करना है राउटर में ये वाला हिस्सा और अपने पीसी में ये वाला हिस्सा, उसके बाद आपको पुटी को ओपन करना है, सीरियल सेलेक्ट करना है एंड कर देना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका राउटर इसमें ओपन हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ मैंने इस राउटर को लिया, ठीक है, ये मैंने राउटर ले लिया, यहाँ मैं एक पीसी ले लेता हूँ, लाइक ये वाला मैंने पीसी ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, केबल्स में आता हूँ, किस केबल से कनेक्ट करूँगा, कंसोल केबल मैंने ये लिया, इसमें लगाते हैं, कंसोल केबल कहाँ लगेगा, कंसोल पोर्ट में, और पीसी में लगेगा RS232, ये आपका पोर्ट नंबर और पोर्ट का नेम होता है, ये आपका केबल का नेम होता है RS232, ठीक है, इसको कंसोल पोर्ट भी बोलते हैं या इसको कंसोल केबल भी बोलते हैं, वही है आपका जो सीरियल केबल हम लगा रहे हैं वही है, ठीक, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इससे मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपका पुटी सॉफ्टवेयर है वैसे ही आपका इस एप्लीकेशन में सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पर टर्मिनल है। जैसे ही मैं टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ देखो 9600 पोर्ट आ गया ऑटोमेटिकली, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो देखो
मेरा जो राउटर कल हमने देखा था, जो मैं डायरेक्ट राउटर से ओपन कर रहा था, राउटर को क्लिक करके कर रहा था, वो मैं डायरेक्टली पीसी पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। पुटी में आप नाइन से तो आपका कॉम वो सिलेक्ट करेंगे, सीरियल कॉम को वो सिलेक्ट कर लेगा और आपका राउटर ओपन हो जाएगा। अब ये होता क्या है, कॉम देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, अपने डिवाइस मैनेजर में जाइए। ठीक है, डिवाइस मैनेजर में आप जाएंगे तो डिवाइस मैनेजर में मिलेगा आपको पोर्ट्स करके, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं फुल कर लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है पोर्ट्स, तो आप इसमें आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। देखो क्या रहा है, स्टैंडर्ड सीरियल ओवर ब्लूटूथ लिंक COM3 और COM4। तो जब आप पुटी अपना ओपन करेंगे, कनेक्ट करने के बाद, किससे कनेक्ट करने के बाद, केबल के थ्रू राउटर से कनेक्ट करने के बाद, ये जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो ओपन ना हो। तो एक बार आप ड्राइवर में चेक करेंगे कि COM3 है या COM4 है या COM1 है। अगर COM1 है, 3 है, तो मैं यहाँ पर COM3 कर दूंगा एंड देन कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपका कंसोल पोर्ट में लगा हुआ है तो यहाँ पर आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा आपके राउटर के, और यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। जब भी हमारा कोई नया राउटर हो या स्विच हो, उसको हमें एक्सेस करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, पुटी एप्लीकेशन के थ्रू। और जो केबल यूज होती है वो होती है हमारी कंसोल केबल या सीरियल केबल, है ना, सीरियल केबल का टाइप में मिलती है। तो ये अलग अलग में मिल जाएगी आपको, एक साइड कंसोल, एक साइड यूएसबी, एक साइड कंसोल, एक साइड आपका सीरियल केबल, है ना। तो इन केबल्स का आप अपन यूज करते हैं किसी भी राउटर को या किसी भी स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए थ्रू द कंसोल केबल। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट जो आपका है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट की लिंक, और जो लास्ट में आपको वीडियो बता रहा था केबल्स वाली, वो लिंक भी डाल दूंगा, और जो मेन वीडियो है उनकी लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।